किसी को क्या मालूम था कि बुलेट की सवारी के लिए कोई इतनी हद तक गिर सकता है कि 9 माह पहले अपने सपनों संग ससुराल आई नवविवाहिता को जहर देकर मार दिया जाएगा। दरअसल पूरा मामला सागर के देवरी का है, जहां 20 वर्षीय राजकुमारी को दहेज में बुलेट न देना इतना भारी पड़ा कि उसकी कीमत उसे जान से चुकाना पड़ी। गोरझामर थाना क्षेत्र के ग्राम जरुआ में 20 वर्षीय नवविवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय नवविवाहिता के पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष वालों ने दहेज में बुलेट बाइक न देने के कारण उनकी बेटी को जहर देकर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जहर दिया है सर, वो दहेज मांगते थे, बुलेट मोटरसाइकिल मांगते थे। दहेज पूरा दिया था अपन शादी में। कब से परेशान कर रहे थे? जी 4 माह पहले से। 4 माह से बुलेट मांग रहे थे जी। और क्या कह रहे थे? जी बोलते थे कि बुलेट नहीं दोगे तो हम तुम्हारे लिए छोड़ेंगे ना तो मारेंगे। बच्ची से कहते थे? बच्ची से बोलते थे। बच्ची आपको बता दी जी। मृतका के पिता प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि उनकी पुत्री राजकुमारी की शादी लॉकडाउन में 6 मई 2020 में केसली विकासखंड के ग्राम जरुआ में अनिल पिता राम मिलन राजपूत के यहां हुई थी। शादी के दौरान उन्होंने 1.5 लाख रुपए नकद और घर गृहस्थी का सभी सामान दहेज में दिया था और पिछले 4 महीनों से ससुराल पक्ष वाले मेरी बेटी को परेशान करते थे और मारपीट करते थे। बेटी ने कई बार फोन पर बताया कि पति, सास ससुर और नंदन उसके साथ मारपीट करते थे। बताया, कई बार बताया सर। क्या बताया उसने? बोलती थी कि सब घर के मारते हैं, मम्मी भी मारती है, नंद भी मारती है, लड़का मारते हैं। किस बात को लेकर? इसी बात को कि दहेज और चाहिए। और चाहिए दहेज जी। क्या चाहिए दहेज? दहेज मोटरसाइकिल बुलेट मांगते थे और दहेज फुल दिया था हमने, जितना होता है वो सब दिया था, 1.5 लाख रुपया नकद दिए थे। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन से उनकी बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी मायके पक्ष वालों को कोई जानकारी नहीं दी। इस मामले में SDOP पूजा शर्मा का कहना है कि नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और दोनों पक्षों के कथनों के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है। कल रात में ही रिपोर्ट हुआ था गोरझामर थाने में, तो हम लोगों ने इसमें मर्ग पंजीबद्ध करा है, विवेचना में है। जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी इसमें आगे जैसे भी साक्ष्य आते हैं, एविडेंस आते हैं, हम उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई करेंगे।